अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप हर मंथ न्यू अपडेट्स लाता रहता है। इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए जाते हैं, इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐड किए जाते हैं, कुछ ऑप्शंस को व्हाट्सएप निकाल भी देता है। तो ऐसे में दोस्तों, जब भी व्हाट्सएप यूजर्स के सामने कोई न्यू फीचर आता है, कोई न्यू अपडेट आती है, कोई न्यू ऑप्शन आता है, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे यूज करना है और कैसे इससे फायदा उठाना है। और समटाइम ये होता है कि कुछ लोगों को उन फीचर का पता चल जाता है, बट बहुत सारे लोग उन फीचर्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो व्हाट्सएप की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपने यूजर्स को बताता नहीं है कि ये फीचर न्यू आया है और इसको कैसे यूज करना है। तो ये सारा काम करने के लिए व्हाट्सएप हमें मुंतखब करता है। जो यूट्यूबर्स हैं वही अच्छे तरीके से बता सकते हैं व्हाट्सएप के न्यू फीचर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं व्हाट्सएप के आपको बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स बताने वाला हूँ, लेटेस्ट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप अभी के टाइम में यूज कर सकते हैं। बट इसके अलावा नोट करने वाली बात ये है कि कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो कुछ यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ यूजर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इसलिए प्रेस आपने करना है क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए टेक्नोलॉजी के हवाले से, हैकिंग के हवाले से या फिर व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आए दोस्तों, व्हाट्सएप के न्यू फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से जो सबसे पहला अपडेट है वो है व्हाट्सएप स्टेटस के रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले टाइम में आप 30 सेकंड का ही स्टेटस लगा सकते थे, पर दोस्तों आज के टाइम में व्हाट्सएप ने इस चीज को इंक्रीज करके 30 सेकंड की बजाय 1 मिनट का स्टेटस क्लियर कर दिया है। जो लोग स्टेटस लगाते हैं उनके लिए ये बहुत ही ग्रेट न्यूज है कि उनको अब वीडियो स्प्लिट नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि पहले वो 30 सेकंड के लगाते थे, फिर 30 सेकंड लगाते थे, तो ऐसे उनका एक स्टेटस जो था वो कंप्लीट होता था। बट आज के टाइम में आप 1 मिनट तक का स्टेटस लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टेटस लगाते हैं डेली बेस के ऊपर तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए। दोस्तों, इसके बाद की जो अपडेट है वो है क्विक रिएक्शंस एंड रिप्लाइज। तो हम क्या करते थे, हम बैक करके उस इमेज के ऊपर होल्ड करके कोई भी रिएक्शन दे देते थे, जो कि आज के टाइम में ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी अगर आपने किसी भी पिक्चर के ऊपर रिप्लाई देना है या आपने उसके ऊपर लाइक देना है या कोई भी रिएक्शन देना है, तो उस इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड के ऊपर रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा उस इमेज के अगेंस्ट, और अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो वहां पे आपको इमोजीज रिएक्शंस मिल जाएंगे। इससे ये होगा कि आपका थोड़ा बहुत जो टाइम है वो सेव हो जाएगा और आप इजीली उस चीज के ऊपर रिएक्शंस या रिप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद का जो अपडेट है वो आपके स्मार्टफोन के स्टोरेज के रिलेटेड अपडेट है। तो व्हाट्सएप के अंदर ही आपको एक स्टोरेज ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कितनी पिक्चर्स, कितनी वीडियोस हैं, या इसके अलावा कोई और बंदा जो आपको कम्युनिटी में मैसेज कर रहा है या ग्रुप्स में मैसेज कर रहा है, या वो बंदा जो आपको कंटिन्यूसली वीडियोस, ऑडियोस, पिक्चर्स भेज रहा है और आपके स्टोरी जो है उसको फुल कर रहा है। तो इजीली आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको आप म्यूट कर सकते हैं या आप वेन ऑनली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं कि वो जो डेटा है वो आपकी गैलरी में ना जाए जिससे आपकी स्टोरेज फुल ना हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा एक अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों, अभी जो मैं अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसका इस्तेमाल फ्यूचर में इतना ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही ज्यादा आपको ग्रेस फील मिलेगी। इससे दोस्तों ये होगा कि अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं तो आपने उसको कोई राशन की डिटेल या कोई और आपने डिटेल देनी है जिसको आप सीरियल नंबर के थ्रू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उस पर्सन को, लेकिन उसमें टाइम बहुत इंक्रीज होगा और आप चाहते हैं कि जस्ट मैं लिखता जाऊँ और साथ में नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली आते जाए। तो सिंपल इज दैट, आपको इसको करने से पहले आपने वन लिखना है, डॉट लिखना है और आगे आपने स्पेस देके इंटर प्रेस करना है, तो नीचे आपके 2, 3, 4 सीरीज जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी लिस्ट वाइज ऑप्शंस को क्रिएट करने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप इस ऑप्शन को यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा
अमेजिंग फीलिंग आएगी और बहुत ज्यादा आप हैप्पी हो जाएंगे। पर दोस्तों इस अपडेट का एक अलर्ट है कि अगर वो पिक्चर एच डी क्वालिटी की होगी फिर ही वो एच डी क्वालिटी एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो कस्टम क्वालिटी ही एक्सेप्ट करेगी। अगर आप इसको रेगुलर नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूसली एच डी क्वालिटी में ही सेंडिंग और रिसीविंग करे, तो आप जाएंगे इसके मर्ज ऑप्शन में, यानी कि आप व्हाट्सएप के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर जाके आप इसको पिन एच डी क्वालिटी कर देंगे। तो जब भी आप ये पिक्चर सेंड करेंगे किसी को, अगर वो एच डी क्वालिटी में होती है तो ऑटोमेटिकली वो एच डी क्वालिटी में आगे चली जाएगी। दोस्तों अब मैं जिस अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ वो कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला। अगर आपने चेकअप करना है तो जैसे ही आप व्हाट्सएप की ओपन करेंगे, लेकिन आपको मिली है वो अपडेट्स या नहीं मिली ये तो आपको खुद ही चेकअप करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिली तो प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपने अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना और फिर आपने चेकअप करना है तो फिर आई होप कि आपको वो अपडेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें से पहली अपडेट ये है कि अनरीड मैसेज, आपके पास बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं जिसको आपने अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन वो बहुत ही नीचे चले गए हैं, आप चाहते हैं कि मैं क्लिक करूँ और वो सारे मैसेज आपके सामने आ जाए, तो व्हाट्सएप ने एक ऑप्शन जो है आपको दिया है जो कि हाइड है, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर डाउन फिंगर प्रेस करनी है तो आपके सामने अनरीड मैसेज इनबॉक्स और ग्रुप्स जो हैं वो आ जाएंगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास अनरीड मैसेज ओवरऑल आ जाएंगे, दूसरे मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली साइड पे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, आई होप कि आपको ये भी फीचर पसंद आएगा। और इसके साथ आप ग्रुप्स को भी जो है वो चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास कितने ग्रुप्स हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि व्हाट्सएप के लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट्स के बारे में आप जान के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे। जल्दी से जाएं प्ले स्टोर के ऊपर, अपने व्हाट्सएप को अपडेट करें और इन फीचर्स से फायदा उठाएं और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल की बड़ी हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज डेली बेस पे ऊपर अपलोड होती है। इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।